अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल नदीम इलेक्ट्रिक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है एक 100 KV का एक्साइटर कड़ा जो कि लाइन नहीं बता रहा, शार्ट हो चुका है। इसको आज हम वाइंड करके आपको दिखाएंगे और काफ़ी टाइम से हम वीडियो वगैरह नहीं अपलोड कर रहे थे, काम में बहुत मसरूफ़ थे। इंशाल्लाह अभी टाइम मिला है तो हम आपको इंशाल्लाह रोज़ाना हफ्ते में एक आधी वीडियो ज़रूर अपलोड किया करें। तो सबसे पहले हम इसके कनेक्शन चेक कर लेंगे। सादे कनेक्शन है 1 से 3। कनेक्शन चेक करने के बाद इसके ऊपर का फाइबर जो है वो रिमूव करेंगे। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके सारा फाइबर सारे निकाल देंगे। फाइबर हमारा अभी सारा निकल चुका है। अब हम इसे हथौड़ी की मदद से इसकी कॉलर को छोड़ मार के और कॉलर बाहर निकाल देंगे। ये इस तरीके से कॉल को ऊपर से प्रेस करके कॉलर बाहर निकाल देंगे। अब हम इसके पेपर काट के इसमें पेपर लगा लेंगे इस तरीके से। ये एक पेपर मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। इस तरीके से इसको बैंड करके स्केल की मदद से प्रेस करेंगे, प्रेस करके आराम से लगा देंगे। ये इस तरीके से दोस्तों, अब हमारे सारे पेपर लग चुके हैं। अब हम इसकी कॉइल लाइन बनाएंगे। ये इसका दुपट्टा है दोस्तों, जिस पर हम इसकी कॉइल लाइन करेंगे। ये हमारी कॉइल बनाने वाली मोटर है जिसको हम हाथ की मदद से चलाते हैं और कॉइल बनाते हैं। ये एक कॉइल हम आपको बना के दिखा देते हैं। ये देखो दोस्तों, इसे हाथ से चलाने के बाद ऐसे कॉइल करते हैं। अब हमारी कॉइल बन चुकी है। इस तरीके से हम इसके कॉइल को कॉइल के बाहर निकाल लेंगे और इसके अंदर जो दुपट्टा है उसको दुपट्टे को निकाल के इसको कॉइल बाहर लगा देंगे। ये हमारी कॉइल तैयार है। अभी हम इसको एक कॉइल आपको बिठा के दिखाते हैं इस तरीके से। ये इसका ऊपर का फाइबर है जो दोनों साइडों पर फाइबर लगेगा। ये देखो दोस्तों, हमारी ये सारी कॉइलें हमने इसके अंदर लगा दी, ऊपर से फाइबर भी लगा दिया और इनके सेंटर में क्रॉसिंग पेपर भी लगा ताकि ये कॉइलें आपस में शॉर्ट ना। अभी हम इसको कार्टन टाइप करेंगे और फिर दूसरी साइड के इसके कनेक्शन करके हमारा एक्सेट्रा इंशाल्लाह कंप्लीट है। अब हमारे कनेक्शन भी 1 से 3 सादे कनेक्शन कनेक्शन भी कंप्लीट हो गए। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए मैंने वीडियो को शॉर्ट कर दी। अब हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट है।
वीडियो देखने का शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।